तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे, जैसे हम लोग इंडिया में अपना जीवन यापन करने के लिए या दूध वगैरह के लिए गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, वैसे यहाँ भी जानवर पालते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ कौन सा जानवर पालते हैं, तो आप लोगों को आज दिखाऊंगा वो सब कुछ यहाँ पर, अगर जानवर कौन सा पालते हैं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ जानवर पालते हैं तो उसको खिलाते क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कुछ खाने के लिए है ही नहीं है। तो चलिए, आज इस वीडियो में आपको हम सैर कराते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ लोग पालते हैं। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। चलिए, वो आगे दिखाते हैं आपको, आज गांव की सैर कराते हैं, जानवर दिखाते हैं। तब तक आ गया है नाश्ता, नाश्ता कर लेते हैं तब चलते हैं। नाश्ते में क्या आया है देख लो, ये देखो नाश्ता आया है, पता नहीं क्या क्या है, तो नाश्ता कर लेते हैं। इधर चाय भी है, नाश्ता कर लेते हैं फिर चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। ये पालते हैं सऊदी में, ठीक है, ऊँट। तो आप लोगों को तो पता ही होगा ऊँट, ये सफ़ेद ऊँट है, सफ़ेद ऊँट बहुत महंगा होता है यहाँ पे। यही पालते हैं, यही खाते हैं, इसी का दूध पीते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका चारा बहुत दूर से आता है। ये देखो गजा हुआ है सब, ये ग्रीन ग्रीन है, आपको शायद कलर सही से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत धूप है। तो ये हरा है, हरा चारा है, इसके लिए देखो खा रहा है। तो ये ऐसे डाल देते हैं और वो खाते रहते हैं ये लोग। और क्योंकि आप लोगों की पता है, आप लोगों को पता ही होगा कि ऊँट जो है पानी बहुत कम पीता है, नहीं भी पिएगा तो काम चलेगा। हालांकि पानी की व्यवस्था देखो इसमें किए है, मुझे डर लग रहा है इसलिए पास में नहीं जा रहा हूँ। तो फिलहाल ये पानी की व्यवस्था है, इसमें जो है पानी रखा हुआ है। और यहाँ पे जो है इन लोगों को देखने के लिए आदमी भी रखा रहते हैं। तो आदमी जो है, आदमी के लिए देखो रेडीमेड घर बना हुआ है, ये देखो इसमें सब आदमी लोग ही रहते हैं। ये गाड़ी पे बना रहता है,
कहीं भी उसको टो करके टोचन करके ले जा सकते हैं। और ये भी बना हुआ है, इसको भी कहीं भी तंबू है, कहीं भी गाड़ लें, कुछ भी कर लें। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या नया है, तो यही है, यहाँ पे जो है ऊँट का ही सब लोग दूध पीते हैं, वही खाते भी हैं। कोई फंक्शन वगैरह होता है, पार्टी वगैरह होता है, तो ऊँट की ही पार्टी होती है। और खाने के लिए ये है, वो ट्रक में यहाँ पर जो है ट्रक से आता है सब माल। और इधर बाकी सब रेत रेत ही है, बाकी थोड़ा सा खेती भी हो रही है, पता नहीं किस चीज़ की हो रही है। मैं बहुत कोशिश किया जानने के लिए, लेकिन जान नहीं पाया किस किस चीज़ की खेती हो रही है। और यही था, सोचा आप लोगों से थोड़ा दिखा दूँ। बहुत सारे लोग तो देखे, यहाँ ऊँट चराने के लिए भी आदमी आते हैं। तो जो ऊँट चराने के लिए आदमी आते हैं, वो काले काले ऊँट होते हैं, वो ऐसे नहीं रहते बंधे हुए, वो बाहर रहते हैं। 150-200 ऊँट रहते हैं, उसमें आदमी रहते हैं, वो हरदम चलते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, चराते ही रहते हैं, मतलब टहलाते रहते हैं। चराते क्या, यहाँ पे रेगिस्तान में क्या चराएंगे, लेकिन यही है कि जो भी है, क्योंकि ऊँट जो है सब कुछ खाते हैं ना, सूखी लकड़ी वगैरह सब कुछ खा जाते हैं। जो कांटे वाले पौधे होते हैं, यहाँ पर कांटे वाले पौधे उगते हैं, तो वो भी खा जाते हैं ऊँट। तो इसलिए उनके लिए एक आदमी रखे रहते हैं, वो आदमी के साथ में खाना पीना ले करके इधर उधर टहलते रहते हैं अपना। हमने देखा है कि जो लोग ऊँट चराने के काम से आते हैं, वो जैसे ऊँट रहता है काले काले, वैसे वो भी काले काले हो जाते हैं। तो मैं जहाँ आया था तो देखा कि यहाँ पर ऊँट ऊँट रखे हुए हैं, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। और ये पूरा रेगिस्तान में है, हट के घर से जो है हट करके ही रखते हैं ये लोग, क्योंकि घर के पास में नहीं रखते। तो घर के पास में असल में उसके लिए आदमी रखते हैं, तो आदमी को भी बाहर ही रखते हैं, घर में कोई एंट्री नहीं है आदमियों की। बाहर के जो आदमी रहते हैं घर में ही, बाहर में ही रखते हैं, और बाहर से ही अपना देख रेख, वहीं खाना पीना जो आदमी आता है वो अपना बनाता खाता, उसे कोई मतलब नहीं रहता। तो यही यहाँ की रोड है अंदर जाने के लिए, जैसे ट्रक व्रक से अगर चारा वारा आता है तो इसी रोड से होकर के जाता है वहाँ रेगिस्तान में जा करके वो देता है, यानी उतारता है, अनलोड करता है चारा, क्योंकि यहाँ पे चारा बहुत दूर से आता है, पता नहीं कहाँ से, तो वहीं से सीधे ट्रक से होकर के आता है, उसके बाद यहाँ आने के बाद अनलोड करते हैं। तो चलते हैं रूम पे, सोचा आप लोगों से दिखा दूँ। और धूप थी, हालांकि आज सुबह का टाइम है तो थोड़ा मौसम ठंडा है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है, तो सोचा आप लोगों को चलिए दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है जब 12 बजे के बाद जब मौसम गर्म होता है तो आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो। हालांकि मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे गर्मी नहीं है उतना, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ मतलब रियाद में सिटी में, वहाँ पे गर्मी है। सिटी कोई भी हो, आप लोगों को पता ही है गर्मी रहती है। तो यहाँ पे कुछ हो या ना हो, अच्छा जो आदमी ऊँट ऊँट रखता है ना, वो बड़ा आदमी माना जाता है यहाँ पे। जिसके घर में बोरिंग यानी पानी की बोरिंग होती है वो, और जो ई ऊँट रखता है वो बाऊ साहब होता है, यानी जैसे अपने यहाँ यानी बड़ा आदमी होता है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो यही होता है यहाँ पे। और गाड़ियाँ तो सबके पास ही हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, भाई साहब गाड़ियाँ सबके पास रहता है, फोर व्हीलर, ठीक है। आप लोग इसके चक्कर में ना रहिए कि गरीब लोगों के पास गाड़ी नहीं रहती। तो चलिए ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं वीडियो को, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। फिर मिलते हैं, बाय।